हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने वाले हैं एलजेब्रा का पार्ट 6। और आज हम लोग करेंगे टाइप 10। और टाइप 10 में हम लोग सीखने वाले हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं एलजेब्रा में। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा आज का टाइटल। और आज भी मैं आपको हैंड रिटन क्वेश्चन कराने वाला हूँ, लेकिन सारे के सारे एग्जाम वाले रहने वाले हैं। तो टाइप 10 को कंप्लीट करेंगे और टाइप 11 से जो हमारा शुरू होगा वो एडवांस लेवल स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अगली बार से हम लोग एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे। चलिए, अभी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के दो मेथड हैं। मैं आपको दो रास्ता बताने वाला हूं। एक मेथड है डिफरेंशिएशन, और अगर आप बहुत सारे बच्चे आईएससी में मैथ होगा आपका और अगर आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा तो बहुत ही आराम से समझ जाइएगा। अगर किसी बच्चे ने आईएससी में आईएससी नहीं किया है, सपोज करो कि आर्ट्स या कॉमर्स बैकग्राउंड का है, तो भी टेंशन नहीं ले, आपको भी समझ में आएगा। और दूसरा मेथड हमारा रहेगा जनरल मेथड, तो वो दोनों मेथड आपको मैं बताने वाला हूं। सबसे पहला डिफरेंशिएशन में थोड़ा बहुत कंसेप्ट हम लोग पढ़ते हैं। आपको डिफरेंशिएशन लिखा कैसे जाता है, तो इसको ऐसे लिखा जाता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन। एक्स टू दी पावर एन का डिफरेंशिएशन होता है एन मल्टीप्लाई ऑफ एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, यानी जो पावर है वो पहले आ जाएगा, फिर x का x लिख देंगे और पावर में n माइनस वन, मतलब जितना पावर है उतना को माइनस कर दो। ठीक है, अब इस कोई भी बच्चा टेंशन नहीं ले, जो भी किसी भी बैकग्राउंड से आप आते हैं, मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं है और आपको भी तकलीफ होने नहीं देंगे। सपोज मैंने लिखा d बाई डी एक्स ऑफ a, a मतलब होता है कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो ये दो बातें आपको समझ में आ गई। अब कुछ एग्जाम्पल के जरिए चीज को समझते हैं। सपोज करते हैं मुझे x टू दी पावर 5 का डिफरेंशिएशन करना है। अभी कोई कंपलसरी नहीं है कि क्वेश्चन पे हमेशा x होगा, वो p फॉर्मेट में भी रह सकता है, z फॉर्मेट में भी रह सकता है, तो जो दिया है वहां पे मैं आपको समझाऊंगा। तो डिफरेंशिएशन में मैंने क्या सिखाया, जो पावर है वो पहले लिख दो, x लिख दो और एक पावर इसको माइनस कर दो, बस इतना ही छोटा सा चीज है। तो मुझे लगता है किसी भी बैकग्राउंड से आप आते हैं समझ में आ जाना चाहिए। एक दो बातें और हो जाए। सपोज करते हैं मैंने लिखा d बाई डी एक्स ऑफ 4x2, कैसे होगा, इसमें जो ये कांस्टेंट है इसका डिफरेंशिएशन जीरो मत करिएगा। अकेले कोई नंबर हो तो नंबर का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, लेकिन x लगा हो तो वो नंबर क्या हो जाएगा, आगे चला जाएगा मल्टीप्लाई, इस वाले का डिफरेंशिएशन सेम रूल में पावर पहले आ जाएगा, x लिखेंगे और पावर एक घटाएंगे तो 1 होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 8x। ठीक है, धीरे धीरे सारा मामला समझ में आएगा। सपोज करो अगली बार हो गया हमारा 5x, तो x के साथ अटैच है तो कांस्टेंट जो रहेगा वो बाहर जाता है और x का डिफरेंशिएशन बच्चे याद रखें कि 1 होता है, ये बहुत आपको यूज होगा। तो ये 5 हो गया। लास्ट एग्जाम्पल d बाई डी एक्स ऑफ सपोज मैंने लिख लिया 10, 10 का डिफरेंशिएशन जीरो, जहां पर भी x नहीं हो वो डिफरेंशिएशन जीरो। लेकिन मैंने आपको एक शब्द बोला था, फिर से रिपीट करते हैं, जरूरी नहीं कि इक्वेशन x का ही हो, p का भी हो सकता है। तो इतना बात समझ में आया होगा। अब एक एग्जाम्पल के जरिए मैं दिखाने वाला हूं क्या होने वाला है। तो सपोज करिए मैंने एक सवाल लिखा x-2 x-9 का न्यूनतम मान निकालें, न्यूनतम मान ज्ञात करें, और न्यूनतम मान को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, कैसे निकलेगा आइए बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूनतम होगा कि महत्तम होगा डिफरेंशिएशन के जरिए कैसे जानते हैं वो आपको बताते हैं। सबसे पहला काम करना है इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लेना है। तो नॉर्मली अगर मल्टीप्लाई करिएगा तो ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, ये 9x हो गया, ये -2x+18, ये हमारा डिफरेंशिएशन होके आ गया x2-11x+18। क्लियर है सभी बच्चों को? अब क्या करना है, डिफरेंशिएशन से बनाएंगे कैसे। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मान के चलिए कि ये मेरा एफ एक्स का इक्वेशन है, तो मैंने इसको जस्ट एक नाम दे दिया एफ एक्स। अब आपको सबसे पहले इसको एक बार डिफरेंशिएट करना है एकदम इसी प्रक्रिया के द्वारा, और एक बार डिफरेंशिएट करके एक डॉट लगा देंगे, ये डैश,
तो इसका अर्थ ये हो गया कि इसको आप एक बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हो। तो कैसे, अभी देखिए बताए थे एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, पावर पहले आएगा, एक्स लिखेंगे एक पावर घटाएंगे, यही सिखाए थे कि नहीं। माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन 11 का 11, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, और 18 में कोई भी एक्स नहीं है तो कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। तो इसका अर्थ ये हो गया कि यहां पर हमारा आ गया 2x-11। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप हुआ, ध्यान से सुनते जाइएगा। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, तो दो बार करने का अर्थ है डबल डैश, बस ये लिखने का एक लॉजिक है। और आप इसको एक बार और डिफरेंशिएशन करो तो 2 का 2 हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और 11 का कितना हो गया 0, तो कितना आ गया 2। अब केस समझिए, केस अगर सपोज करिए दो बार डिफरेंशिएशन करके ये ग्रेटर देन 0 आया तो वैल्यू क्या होगा, मिनिमम, और अगर दो बार डिफरेंशिएशन करके ये लेस देन 0 आया तो वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम। ये हमारा डिफरेंशिएशन के अनुसार अप्रोच है। ठीक है, और एक बार रिपीट करते हैं, दो बार डैश मतलब दो बार डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता, मैंने राइट साइड में दिखाया, अगर दो बार डिफरेंशिएशन करके ये जो वैल्यू आता है, अगर ये हमारा प्लस में आ गया सोचो तो नो डाउट यार ग्रेटर देन 0 होगा तो वैल्यू निकलेगा मिनिमम। अगर ये लेस देन 0 आ गया, मैं दूसरे शब्दों में बोलूं तो माइनस में आ गया, तो वैल्यू होगा मैक्सिमम। अब मुझे एक बात बताइए कि यहां पर एक बात प्रूफ हो चुका है कि ये दो जो है ये ग्रेटर देन 0 है तो वैल्यू पक्का मिनिमम ही आएगा, इसलिए देखिए क्वेश्चन पे भी न्यूनतम मान ही निकालने पूछा गया। अब कैसे करें, अब आंसर की बारी है। अब क्या करना है, ये जो एफ डैश एक्स है, ये जो हमने लिखा हुआ है, इस वाले को कर दीजिए 0, और आप एक्स का मान यहां से निकालिए। तो एक्स का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 11/2, और इस मान को कहां पे बैठाइए, ओरिजिनली क्वेश्चन पे बैठाइए। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, x-2 x-9, बस इसको सॉल्व करें और मेरा मिनिमम वैल्यू आके तैयार है, 11/2 - 9। तो इसको आप सॉल्व करोगे 2 × 2 = 4 हो जाएगा, तो 11 - 4 कितना हो जाएगा, 7/2, और 9 × 2 = 18, तो 11 - 18 होता है -7/2। तो जब आप आंसर निकालोगे तो -49/4, दिस इज आंसर। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अभी भूल जाता हूं एक पल के लिए कि हम एक टीचर के हैसियत से पढ़ा रहे हैं, सपोज मैं आर्ट्स बैकग्राउंड का रहता और ईमानदारी से बोले तो पहली बार जरूर तकलीफ होता, तो इसलिए मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मुझे टीचर बन के पढ़ाना है, एज ए स्टूडेंट अच्छा रहेगा कि नहीं। तो शुरू शुरू में हो सकता है फंडामेंटल कुछ दिक्कत लगा होगा, लेकिन आप भरोसा रखिए, एक क्वेश्चन और बताते हैं और ये डिफ्रेंसिएशन मैथड से ही बताएंगे और देखिएगा कि आपसे बनेगा, आइए कैसे होगा। ठीक है, ये आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना, ओके, इसको मैं हटाता हूं। सपोज मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं कुछ इस तरह से, एक्स प्लस 4, और सपोज मैंने लिख लिया 4 - और सपोज मैंने लिख लिया हो, चलो सॉरी 5 - x, रैंडमली मैंने कोई भी अपने मन से क्वेश्चन लिया हुआ, कैसे बनेगा। सबसे पहला स्टेप क्या था, मल्टीप्लाई का, एकदम प्यार से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 × x 5x हो जाएगा, x × x x² हो जाएगा, इसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 4 = 20 हो गया, और माइनस हो गया 4 × x, तो 4x। क्लियर है, आगे चले आते हैं, इसको जैसे ही आपने सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर हो गया, 5x में से 4x माइनस होगा तो प्लस x आ जाएगा, +20 आ जाएगा। क्लियर है, इस वाले को हमने पिछले बार नाम दिया था fx, इस बार भी नाम दे देते हैं fx, आशा करते हैं ये आपको पहले से आता होगा। अब सबसे पहले एक बार डिफरेंशिएशन करना है, तो एक बार जैसे डिफरेंशिएशन करिएगा तो कैसे होगा, माइनस का माइनस, एक्स स्क्वायर का 2x होगा ना पहले बार की तरह, प्लस x का होता है 1, कांस्टेंट का भाई 0। दोबारा डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं, क्योंकि इस मेथड में मुझे दोबारा वाला बताता है कि मिनिमम वैल्यू निकलेगा कि मैक्सिमम निकलेगा, ऐसे क्वेश्चन पे लिखा हुआ रहेगा तो चलेगा। अभी इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो -2 * 1, 1 का डिफरेंशिएशन 0,
तो आ गया कितना माइनस टू, और आपको पता है कि ये जीरो से कम है, तो जीरो से कम है तो डेफिनेटली ये वैल्यू मैक्सिमम देगा। ठीक है, देखो मैं प्रूव करके भी दिखा रहा हूं। ठीक है, अब कैसे निकलेगा देखते हैं। पहला वाला डिफरेंशिएशन करके कितना आया था, तो माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, ऐसे करके x का वैल्यू निकालिएगा। x का वैल्यू निकालिएगा तो पॉजिटिव वन बाई टू आएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस होगा, माइनस माइनस कटेगा। इसको कहां बैठाना है, ओरिजिनली क्वेश्चन पे पुट करना। तो ये हो गया x प्लस फोर, फाइव माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू हो गया वन बाई टू प्लस फोर, और यहां पे हो गया फाइव माइनस वन बाई टू। तो सॉल्व करते हैं, चार गुना दो आठ, आठ और एक नौ बटा दो, पांच गुना दो दस, दस माइनस एक नौ बटा दो, तो आंसर कितना हो गया 81/4। दिस इज मैक्सिमम वैल्यू। आई होप कि आपने समझा होगा, ऐसे कोई फर्दर दिक्कत हो कमेंट करके जरूर लिखिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, कोई शिकायत है मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करिए, कोई दिक्कत है स्क्रीन शॉट लेके मुझे वो क्वेश्चन ही भेज दीजिए, तो फर्दर मैं आपको समझा देने वाला हूँ। ठीक है, तो ये मेथड नंबर ए हो गया डिफरेंशिएशन के जरिए मैक्सिमम मिनिमम कैसे करेंगे। अब अगला मेथड देखते हैं, नेक्स्ट मेथड, मेथड नंबर बी, इसका नाम है जनरल एंड क्वाड्रेटिक मेथड। ठीक है, ये जो मेथड है ये केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे अप्लाई होगा, क्यूबिक इक्वेशन पे, फोर्थ इक्वेशन पे नहीं अप्लाई होगा, उसके लिए डिफरेंशिएशन पे ही आना पड़ेगा, तो वो डिफिकल्ट सीरीज में मैं आपको दिखाने वाला हूं। चलिए ये मेथड क्या बोलता है, पहले इसका बेस समझा जाए। ठीक है, केस मैं लिखता हूं। ठीक है, केस, यदि एक्स स्क्वायर का साइन, एकदम प्रॉपर भाषा में लिख के रखते हैं, एक्स स्क्वायर का साइन प्लस है, प्लस का अर्थ यह भी हुआ ना ग्रेटर देन जीरो, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, वैल्यू, वैल्यू क्या हो जाएगा, मिनिमम। और यदि एक्स स्क्वायर का साइन माइनस है तो लेस देन जीरो हुआ कि नहीं, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। इस वाले मेथड में आप डायरेक्ट साइन देख के पहचान सकते हैं, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन जो मैंने पिछला वाला लिया था उसको करके दिखाते हैं, और मैक्सिमम और मिनिमम दोनों ही वैल्यू कौन से फॉर्मूला से निकलेगा वो भी सिखाते हैं। दोनों ही निकलेगा इस फॉर्मूले से, 4ac माइनस बी स्क्वायर बट्टा 4a। एक्चुअली काफी बुक्स में देखिएगा या काफी सारे टीचर ने ये बताया होता है d बट्टा 4a, और एक्चुअली d का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो फर्दर मैंने थोड़ा सा इसमें अच्छा कर दिया है कि आप ऐसा कर दो तो ज्यादा बेटर होगा। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, पिछला ही क्वेश्चन, देखते हैं क्या दोनों मेथड हमारा सेम आंसर देता है। तो ये हमारा था क्वेश्चन, सबसे पहला तो नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई किए थे तो वही वाला चीज वापस लिख देते हैं, ये मल्टीप्लाई करके आ रहा है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, अगर बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हुए हैं तो ए बी सी क्या होता है पता होगा, जो लोग नहीं जानते हैं एकदम ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक्स स्क्वायर का जो आगे में रहता है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो वन है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर के जो आगे में है वो हमारा ए रिप्रेजेंट होता है। सब लोग अच्छे से सुनिएगा, ठीक है, x के जो आगे में है वो उसको b बोला जाता है, कितना है 11, जो भी साइन है उसके साथ लिखिएगा। और सिमिलरली c जो है वो 18 जो हमारा हो गया वो c है, यानी कांस्टेंट हमारा जो होता है वो c होता है, जो नंबर हमारा है, तो प्लस 18। तो आई होप कि जिनको कुछ भी नहीं पता होगा उन्हें ए बी सी समझ में आया होगा। अब ऑब्वियसली बताइए एक्स स्क्वायर का साइन क्या है, प्लस है कि नहीं, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर पक्का मिनिमम निकलेगा। अब ये मिनिमम में कितना आंसर आएगा, तो मैंने फॉर्मूला क्या सिखाया, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, तो मान बस बैठाइए और तुरंत सॉल्व हो जाएगा। a का वैल्यू 1, देखिए मैं लेफ्ट हैंड साइड से बैठा रहा हूं, ये हमारा 18 माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का वैल्यू देखो माइनस 11 है, तो आपके लिए एक स्टेप आराम से कर लेते हैं, डिवाइड ऑफ 4a, 4 इंटू 1, सॉल्व करते हैं, 18 मल्टीप्लाई 4, 72, माइनस का माइनस, और बताइए माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो ये तो 121 हो जाएगा अपॉन 4, तो जब हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, और यहाँ कितना आ जाएगा 4, और नेगेटिव में शायद होगा, और डिवाइड में कितना हो जाएगा 4, सो दिस इज आंसर। अगर आप पिछला वाला भी चेक किए होंगे तो सेम आंसर आया होगा।
तो ये अगर मैं बोलता हूं कि एज ए स्टूडेंट अगर मुझे तुलना करना पड़ा कि कौन सा भाई समझने में अच्छा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पसंद ज्यादा ये आएगा। लेकिन मैं ये भी बताता हूं कि जब पॉलिनोमियल इक्वेशन आता है क्यूब फोर्थ फिफ्थ का, तो ये मेथड आपका चलेगा नहीं, वो डिफरेंशिएशन वाला ही चलेगा। तो वो आने वाले वक्त में डिफरेंशिएट करके मैं दिखाने वाला हूँ। तो आई होप कि आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। मुझे नहीं लगता और कोई तकलीफ होगा। एक क्वेश्चन इस मेथड से यार और बनाना चाहिए, ठीक है? आइए बताते। सपोज मैंने लिख लिया एक इक्वेशन -2x² + 4x - 1 = 0। अब आप मुझे बताइए तो वैल्यू मैक्सिमम होगा कि मिनिमम? कैसे पता करते हैं इस मेथड में? इसके साइन से पता करते हैं। एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा हुआ? माइनस। माइनस लेस देन जीरो होता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वैल्यू मैक्सिमम देगा। अब आप सोचो कि कोई मेरे को पूछे कि सर इसका मिनिमम वैल्यू पूछ सकता है क्या? तो बिल्कुल पूछ सकता है। आपको पहले तो पता है यार कि मैक्सिमम वैल्यू देगा, और मिनिमम वैल्यू ऐसे वाले केस में होता है इन्फिनिटी। यानी जिस क्वेश्चन का उत्तर मैक्सिमम होगा वो जो निकलेगा वो तो निकाल लो, और अगर मिनिमम पूछ दे तो इन्फिनिटी। पिछले वाले क्वेश्चन की बात करें तो मिनिमम वैल्यू कितना निकला था? -49/4। अगर आपको मैक्सिमम पूछ दिया तो आप लिख दो इन्फिनिटी, राइट? तो ये आप लोगों को मैंने एक्स्ट्रा बता दिया, ऐसे मिनिमम या मैक्सिमम दोनों में से एक ही पूछता है। आइए जल्दी से बताते हैं। तो वैल्यू मैक्सिमम होगा। फॉर्मूला क्या था? 4ac - b² / 4a। कुछ नहीं करेंगे यार, बैठा देंगे। 4a का वैल्यू कितना होगा? जो x का स्क्वायर का कोफिशियंट है -2। c का वैल्यू -1, ये रहा -1। माइनस ऑफ b² यानी 4 का स्क्वायर, और 4 × a, a का वैल्यू ऑफ -2। सॉल्व कर लेते हैं तो ये तो 8 आ जाएगा, प्लस में 4 का स्क्वायर 16 माइनस ऑफ 8, तो -8 - 8, सो आंसर इज 1। क्लियर है? तो आशा करते हैं क्वाड्रेटिक मेथड भी समझ में आया होगा और डिफरेंशिएशन मेथड भी समझ में आया। इसके बाद आपके ऊपर छोड़ा जाता, आपका चॉइस है आप कैसे बनाते हो, ठीक है? चलिए, अच्छे से समझ में आ गया होगा, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, एक क्वेश्चन यार मुझे और लेने का मन कर रहा, मुझे अभी तक बता के ना थोड़ा सेटिस्फेक्शन नहीं लगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, तो मुझे लगता है सारा बच्चा भी डिमांड कर ही रहा होगा दिलों में कि एक क्वेश्चन सर और हो जाता तो अच्छा रहता। सपोज ले लेते हैं 2x² + 5x - 4 = 0। अब सपोज करिए मुझे इसका मैक्सिमम मिनिमम दोनों चाहिए। मैक्सिमम कितना, मिनिमम कितना? तो आप पहले देखिए तो मैक्सिमम निकलेगा कि मिनिमम निकलेगा? तो आप एक्स स्क्वायर का साइन क्या है? पॉजिटिव है। इसका मतलब इसका आंसर मिनिमम निकलेगा। तो मिनिमम निकलेगा तो सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैक्सिमम पूछेगा तो इन्फिनिटी। आई होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक है ना? ये समझ में आया होगा। अभी क्या करना है यार, तो फटाफट फॉर्मूला यूज करना, 4ac - b² / 4a। इसका मतलब 4 × a, a का मतलब 2, c का वैल्यू -4, माइनस ऑफ b का वैल्यू क्या होता है? x का जो कॉफिशियंट होता है, तो 5 का स्क्वायर 25 करते हैं, डायरेक्टली करते हैं 4 × 2। तो सॉल्व होके आ गया 4 × 2 = 8, 8 × 4 = 32, नेगेटिव में -25/8। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि मैक्सिमम मिनिमम का दोनों कंसेप्ट अब जाके समझ में आया होगा। मेरे को भी अंदर से फील ऐसा हुआ कि आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं आगे। तो जनरल क्वेश्चन तो आप समझ चुके हैं कैसे बनेगा। मैं कुछ 3-4 अलग अलग क्वेश्चन और बताता हूं ताकि आपको बहुत सहूलियत महसूस हो। इसी स्लाइड पे करते हैं, जगह काफी है, ठीक है? इसको हटाते हैं, थोड़ा धीरे धीरे चला जा रहा ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ। अब कुछ अच्छे क्वेश्चन पे आते हैं। अब रह गया कि कुछ ऑड क्वेश्चन देखते हैं कि अगर ऐसा आ गया तो क्या करेंगे। यदि x + y = 9, एक्स वाई का महत्तम मान निकालें, महत्तम मान ज्ञात करें। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो बच्चा क्या करे? वहां तो x का इक्वेशन था, साइन देख करके लिख लेते थे। यहां पर क्वेश्चन में सबसे प्लस पॉइंट है कि ये चीज आपको मेंशनड रहेगा, ऐसे वहां पे भी रहता है, तो ये मेंशनड है, तो आपको टेंशन नहीं लेना कि महत्तम है या न्यूनतम है। अब कैसे निकलेगा? अब आप एक मेरा सिंपल सा लॉजिक समझिएगा
कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन का सम कुछ भी दिया हो तो आपको सिंपली सोचना है कि अगर मैक्सिमम निकालना है तो एक्स और वाई का वैल्यू कितना लेट करेंगे मैक्सिमम में, तो इतना हो जाए मैक्सिमम में, ध्यान से सुनिएगा, नॉट मिनिमम, मैक्सिमम निकालना तो मैक्सिमम वैल्यू लेना। तो अगर कोई भी दो चीज का समेशन ये हो, आप एकदम ट्रिक सुनिएगा, बहुत बढ़िया ट्रिक्स बता रहे हैं, कोई भी दो चीज का या तीन चीज का समेशन जो भी दिया है, आपको याद रखना है कि इस वाले को अगर आप दो पार्ट में डिवाइड करके 9 दिया है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू हम लोग ये मान सकते हैं। दोनों का वैल्यू यार 9/2, 9/2 मान लो, सबसे कमाल का ट्रिक से, और आंसर विदाउट पेन एंड पेपर आ जाएगा। अब आप सोचेंगे सर क्यों मानेंगे, क्योंकि इसको सॉल्व करने से 9 आता। फिर क्रॉस क्वेश्चन आप कर सकते हो, सर ऐसे क्यों नहीं मान सकते हैं? 2 और 7 वो भी तो 9 होता है, लेकिन आप मुझे बताइए कि y के लिए सपोज करिए ये मैक्सिमम है क्या? अगर y के लिए मैक्सिमम है तो क्या ये x के लिए मैक्सिमम है? जी नहीं। इसका मतलब दोनों को सेम सेम मान लो तो ये मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। अभी क्या है आंसर इसका निकालना, तो नो डाउट यार निकल चुका है कि नहीं, 9/2 × 9/2, सो डेफिनेटली आंसर इज 81/4। देख रहे हैं कितना आसान सा ट्रिक्स है। तो अगर कभी ऐसे वाले का मिनिमम मैक्सिमम पूछेगा ना, तो आप एकदम ऐसे पढ़ लीजिएगा। क्लियर है? एक क्वेश्चन और देखते हैं। सपोज आपको कोई बोलता है a+b+c का वैल्यू 4 है, और आपको पूछ दिया कि abc का महत्तम मान क्या है, ठीक है ना? तो एकदम घबराना नहीं है। अब देखिए, तीन चीज का जोड़ 4 है, आपको बस ये सोचना है कि तीनों को जोड़ करके 4 कैसे आएगा, ठीक है ना? तीनों को जोड़ करके 4 किस तरह से आएगा? तो तीन चीज का जोड़ है तो तीनों को मान लीजिए 4/3, 4/3, 4/3 सॉल्व करके आ जाएगा कि नहीं? तीन कैसे हम लोग पता कर रहे हैं? क्योंकि तीन चीज का जोड़ है, 4 चीज का जोड़ होगा 4/5, 5 चीज का जोड़ होगा 5/5, बस दैट्स इट, इतना ही करना है। अब आप बताइए एबीसी का मैक्सिमम वैल्यू पूछा है ना, तो तीनों को गुना कर दीजिए तो आंसर हो जाएगा 64/27। तो आई होप कि ये आइडिया आपने गेन किया होगा, समझ में आया होगा, और एग्जाम में आने से कभी भी ये क्वेश्चन मिस नहीं पड़ेगा, ठीक है? अगले सवाल को देखते हैं, और नेक्स्ट सवाल में थोड़ा बहुत ट्विस्ट किया जाए। सपोज करते हैं कि a+b+c = 13, ऐसा यदि a+b+c = 13, तो मेरे को पूछ रहा a-3 b-2 c-1 का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, समझ में आ जा रहा का मैक्सिमम कितना। अब ऐसा सवाल आए तो फिर से मैं वही शब्द बोलूंगा, टेंशन नहीं लेना है। आप सोचो कि ऐसा वाला का ये वाला चीज तो सीखे, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट पार्ट क्या है कि एबीसी का वैल्यू नहीं पूछ रहा, कुछ समथिंग पूछ रहा। आप कुछ मत करिए, ए माइनस थ्री है ना, तो इसमें 3 घटा दीजिए तो वो आ जाएगा, प्लस बी में कितना माइनस है 2, तो आप यहाँ पे b-2 इसको लिख रहे हैं। सी पे कितना घटाना है 1, तो -1। अगर हम ओरिजिनली इसको क्वेश्चन से कंपेयर करते हैं तो ये 3, 2, -1 एक्स्ट्रा आ गया भाई। तो जितना आपने एक्स्ट्रा लेफ्ट हैंड साइड में किया है उतना ही एक्स्ट्रा राइट हैंड साइड में करते हैं, तो आपने एक्स्ट्रा कितना माइनस किया, 3, 2, 5, 1, 6, तो राइट हैंड साइड में भी -6 करेंगे। क्लियर है? अब रह गया बात कि a-3 + b-2 + c-1, बताइए कितना हो रहा, 7 हो रहा ना। अब एक चीज गौर से देखिए, मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, थोड़ा से मूड फ्रेश हो जाएगा। अब मान के चलिए ये पूरा वाला x है, ये पूरा वाला y है, और ये पूरा वाला z है। आपके फेवर में ये चीज करके बता रहे हैं, नहीं तो डायरेक्ट हो सकता था। अभी हमने क्या पढ़ा कि तीन चीज का सम जो भी रहेगा और मुझे मैक्सिमम निकालना है तो आप इसको कितना कितना मानोगे, तीन पार्ट में डिवाइड करना है तो x भी यही, y भी यही, और z भी यही भाई। ये जानबूझ के आपको मैंने अलग करके दिखाया। अब आप सोचिए x मतलब यही है ना, y मतलब यही है ना, और z मतलब यही है ना। अब जो पूछा है वहां पे मान बैठाते हैं ना भैया, a-3, तो a-3 मतलब 7/3 ही ना, इसी को तो x माने थे। मल्टीप्लाई अगेन 7/3, मल्टीप्लाई अगेन 7/3, तो आंसर कितना होगा, 343/27। तो आई होप कि ये ट्विस्टेड क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो कैसा भी फॉर्मेट हो, ओरिजिनली क्वेश्चन को वैसे ही करें,
और जितना आपने लेफ्ट साइड प्लस किया है या माइनस किया, राइट साइड उतना ही प्लस और माइनस कर दे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो ये आपने एक नया सीखा। चलिए कुछ और एक दो क्वेश्चन करवाते हैं और फिर क्लास को एंड करेंगे, ठीक है? अगले स्लाइड पे लेके चलते हैं। अब रह गई बात कि और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कैसे बनेगा। अगर कभी इक्वेशन वाइज ऐसा आ जाए, इक्वेशन वाइज क्वेश्चन ऐसा आ गया और आपको इसका पूछ रहा है कि यार मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो ऐसे क्वेश्चन पे मेरा एक बात याद रखिएगा कि अगर x का इक्वेशन और उसमें कोई नंबर प्लस माइनस है तो एकदम बिना कोई टेंशन लिए विदाउट पेन एंड पेपर कर सकते हो। आपको मैं दिखाता हूं, x को जीरो मान लीजिए और जीरो यार आराम से बैठाएंगे, जो आंसर आएगा वही आंसर हमारा सही होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। x का वैल्यू जीरो प्लस वन अपॉन जीरो प्लस वन का वन माइनस थ्री, सो आंसर कितना हो गया माइनस टू। कोई टेंशन नहीं लेना है, कब करें, कैसे याद हो, कैसे बच्चे को पता हो, तो सिंपल सा एक भाषा बोलेंगे, x का इक्वेशन दिया रहेगा, कोई भी नंबर प्लस या माइनस दिया रहेगा, x को भैया जीरो बैठा देंगे और मैक्सिमम वैल्यू पूछा हुआ रहेगा। इस शर्त पे हम लोग को ये कंडीशन करना है। तो आपने ये भी समझ लिया, आई होप ये वैरायटी भी क्लियर है। अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं, एक और नया क्वेश्चन आ जाए। एक क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आया था, पी स्क्वायर प्लस 7p प्लस 13 टू दी पावर माइनस 1 का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, का मैक्सिमम कितना, ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान से सुनिएगा अच्छे से। अगर कभी भी इसका पावर नेगेटिव हो तो सबसे पहला टास्क आपका यह हो गया कि नेगेटिव को इग्नोर कर दे, उसको दरकिनार कर दे, उसको देखे नहीं, क्योंकि ये देखिएगा तो टेंशन आ जाएगा, जो बनने का होगा वो भी नहीं बनेगा यार। आप सोचो कि ये क्वेश्चन पहले ऐसा रहता और इसका सपोज करिए मैक्सिमम या मिनिमम पूछा रहता तो कैसे बनाते। अब रह गई बात कि इसका कोफिशियंट में प्लस है, तो इसका कोफिशियंट में प्लस है तो देख के लग रहा ना मिनिमम, लेकिन उसी का पावर माइनस है तो माइनस पावर में आपको पता होगा कि नंबर उल्टा हो जाता है, तो इसलिए जब ये उल्टा होगा तो मिनिमम का मैक्सिमम बन जाएगा, बस इतना ही मुझे बोलना है इसमें। अब क्या करना है, तो मैंने जो मेथड नंबर 2 बताया था उसी से करते हैं क्योंकि ये आपको ज्यादा पसंद आया होगा। तो 4 हो गया, यहां पर a क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्क्वायर का कोफिशियंट, तो कुछ नहीं मतलब 1 है। c रिप्रेजेंट कर रहा 13, क्लियर है, माइनस बी का स्क्वायर, बी मतलब 7, 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 4a 4 × 1, तो ये हमारा हो गया 52, ये हो गया 49, ये हो गया 4, तो कितना आ जा रहा 3/4। अब सोचो कि मैंने सोचा कि जो इग्नोर किए थे उसको वापस लेकर आना, तो ये अंदर वाला का वैल्यू कितना आ गया 3/4, पावर में क्या है नेगेटिव ऑफ माइनस 1। अब नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे करते हैं, नंबर को उल्टा कर देते हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा 4/3। आसान लगा? तो कभी भी पावर माइनस में हो तो आपको एकदम एज इट इज वही बनाना है जो मैंने आपको पिछले में दिखाया हुआ, एकदम कुछ आपको अलग करने का जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं इतने दूर तक समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और करा दिया जाए क्या? अच्छा, ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क पे रख देते हैं, ठीक है? हो सकता है इसका और भी पार्ट आए, और भी पार्ट, ऐसे डिफिकल्ट सीरीज तो कल से स्टार्ट ही होने वाला है तो आपको और मजा आएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं होमवर्क पे, आप इसको सॉल्व करिएगा और मुझे बताइएगा क्या आंसर आ रहा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 7, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 10। आपको पूछ रहा है एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा। आपको मैं ऑप्शन भी देने वाला हूं ताकि आप घर पे अच्छे से बना पाओ, 2, 7 रूट ओवर 29 एंड डी नंबर इज 5। तो ये आपके लिए आज का सोचो कि होमवर्क है। आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, एक भी बच्चा कमेंट करता है ना, अभी तो मेरे सब्सक्राइबर भी अधिक नहीं है, देखने वाले भी अधिक नहीं है, लेकिन मेरी जो मेहनत है ना इसी प्रकार जारी, एक ना एक दिन तो आएगा कि हमारे काफ़ी सारे फैमिली मेम्बर्स होंगे और लोग देखने आएंगे क्योंकि हम लोग कुछ अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आशा करते हैं बड़ा ही जल्दी ये दिन आएगा। तो खैर, जितने भी बच्चे वीडियो से जुड़ रहे हैं प्लीज़ इसका कमेंट जरूर करके बताइएगा। तो चलो, आज के लिए इतना ही रहेगा, कल से एडवांस सीरीज स्टार्ट होगा तो जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।